नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। अनूपगढ़ ग्राम पंचायत 7 SGM गांव में वाटर बक्स को लेकर ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अनूपगढ़ ग्राम पंचायत 7 SGM गांव में वाटर बक्स को लेकर ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ठेकेदार द्वारा नई पाइपलाइन डालने के लिए पुरानी पाइपलाइन को कनेक्शन ट्रैक्टर द्वारा काट दिया गया है, लेकिन 2 महीनों से गांव में नई पाइपलाइन नहीं डाली गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सरपंच को बार बार सूचना करने पर भी गांव की कोई सुनवाई नहीं हो रही और वाटर बक्स की डिग्गियों में गंदा पानी भर रखा है, ना ही तो उसमें कोई दवाई डाली गई है और ना ही कोई उसको साफ करने के लिए फिल्टर लगाए गए हैं। गांव के लोग बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। वहीं ठेकेदार द्वारा प्रत्येक घर से 500 रुपये लेकर लाखों रुपए गांव से वसूल रहे हैं, लेकिन गांव की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 दिन के अंदर अगर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं करवाई गई तो ग्रामीण वाटर वर्क्स को ताला लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और अनशन जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक इस वाटर वर्क्स का कोई समाधान नहीं होगा और अनिश्चितकालीन संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम अच्छा अच्छा तो अरशद पिछली सफर की रसीद ना इन में देऊं। अरशद का कॉपी सा ले आप। अच्छा पता रसीद ये 500 रुपए ले रहे हो आप और आदमी से? ठीक है 500 रुपए। हमें PhD ऑफिस अनूपगढ़ है वहां से AM सर ने बोला है 4,68,000 रुपए लूटे हैं। प्रत्येक कनेक्शन पे 500 रुपए लेने हैं और ये जो 500 रुपए है ये पंचायत के खाते में जमा होंगे। क्या नाम है AM साहब का? AM साहब का सर पहले तो शायद डागला जी थे, अब पता नहीं कौन है। आपको पता नहीं है जी AM कौन है और आप 500 रुपए ले रहे हो पर आदमी से? आपको पता ही है गरीब गांव की बस का नाम पता नहीं आपको? आपने कितने रुपए इकट्ठे हो गए आपके पास? 165 500 के साथ गुणा करना कितने रुपए बने? उसमें 500 रुपया काट दो। 160 रुपया 500 रुपए के साथ 80,500 रुपए बन गए आपके, है ना? ये किसने कहा आपको ये जमा करने के लिए 80,000 रुपए? ये पैसा कहाँ जाएगा? पंचायत के खाते में जमा होगा 500 रुपया। बेमाने बता कौन करे? अभी तो आप जयन का नाम ले रहे थे। जयन सर से जहाँ यहाँ 10% ये कंट्रेक्शन जमा होता है, ये अपनी भारत सरकार की स्कीम है। इसमें 45% राजस्थान सरकार का है, 45% भारत सरकार का है, 10% राशि ये जो अपने गाँव के क्या बोलते हैं जो घरों में कनेक्शन होंगे ये कंट्रीब्यूशन 10% जमा। एक ही पंचायत का रूल है या बाकी पंचायतों में हमने ऐसा कोई मैटर नहीं? टोटल पंचायतों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी बात हुई है मेरी जयन साहब से, जयन साहब कह रहे हैं सरपंच का काम है, सरपंच बोल रहे हैं जयन का काम है। हमारे गांव 7 SGM में पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। कई दिनों से तकरीबन 1.5 महीने से पाइपलाइन दबाने के चक्कर में घरों में पानी बिल्कुल भी बूंद भी नहीं पहुंच रहा है। और अब जो नरेंद्र सिंह नाम बताया जा रहा है उसने 500 रुपए लेकर पाइपलाइन दबाकर उसमें कनेक्शन दिया है, कनेक्शन दिया है पर घर से ले रहा है 500 रुपए। हर एक कनेक्शन के पीछे विधवा लुगाई है, बिल्कुल पैसा लिया है, हर एक से 500 रुपए वसूल करके कनेक्शन दिए है, फिर भी पानी कोई 2 बाल्टी या 4 बाल्टी घरों में पहुंचता है और वो भी जिसके पास नया उपलब्ध है जो नहीं दे सकता उनको कह रहा है कि इतने दोगे तो आपका कनेक्शन करेंगे नहीं तो हमें तो आधो गर्म पानी 10 बाल्टी तक मुश्किल से मिलता है। पानी साफ आ रहा है आपके घरों में? पानी साफ नहीं आ रहा है, गंदा पानी सप्लाई दे रहा है, वो भी पूरा नहीं पहुंच रहा है। वो भी पूरा पहुंच जाए तो हम चलो और पानी के पीने वाले की व्यवस्था कर लें तो वो भी पूरा। अब आपकी क्या मांग है आगे?
अब हमारी ये मांग है पानी कनेक्शन है, कनेक्शन का कोई पैसा को नहीं, फ्री कनेक्शन किया जाएगा और वापस पैसा हमारा दिया जाना चाहिए। हर इस छोरा ने नरेंद्र कुमार को हमारे वाटर वर्क्स में नहीं रखना है हमने, और हमारे वाटर वर्क्स में पहले तेजपाल था ना उसको ही रखना है हमने, और वो साफ पानी छोड़ता है और दूर गांव से आया है, और उसकी पत्नी बीमार रहती है बहुत, और उसको वाटर वर्क्स में रखा जाए। पंचायत ग्राम में वाटर वर्क्स में हमारे बहुत समस्या आने लग रही है, कोई पानी की सुविधा को नहीं, पाइपां पहला लागेड़ी में सब बढ़ दी है ट्रैक्टर से, और 500 रुपया एक कनेक्शन पर लिया गया है, पैसे लेने वाला नरेंद्र कुमार बावरी ठेकेदार और जयन आयन और सरपंच और वार्ड के नाम और हमारे गांव में प्रधान है मेरे मायके से 11 SGM से, और उस बड़े कोई सुनाई कौन करी ना, हमारे कृष्ण सरपंच कोई सुनाई कौन करी, और कृष्ण सरपंच ने मैं कहो मैंने कह ए तो पैसा इं ही लेवेगा तू, मैं क्यों मैं आप ही कनेक्शन कर लूंगी, तो मैंने कह तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और मेरे को नरेंद्र ने कहा है नया पानी की व्यवस्था हुई, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, और राधा राम गुहार है उसके लड़के को नरेंद्र ने दबका दिया है कि तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तू पाइप में सुराख किया है वाटर बक्स में, हम आज से ताला लगाया जाएगा, ताला बंदी की जाएगी सात SGM में, और 5 दिनों के अंदर अंदर पानी नहीं छोड़ा तो हम सात SGM में ताला लगाया जाएगा वाटर बक्स के।